हेलो एवरीवन तो आज के लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे फुर इक्सपांशन ऑफ एफेक्ट्स इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल ऑफ जीरो प्रॉब्लम में आगे है ग्राफ द फंक्शन एंड आल्सो स्टेट द वैल्यूज ऑफ द सीरीज फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो वन टू टेन एंड एलेवन एंड हैं डिड्यूस पाई स्क्वायर अपॉन सिक्स इक्वल टू वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर तो प्रॉब्लम देखेंगे प्रॉब्लम के तीन पार्ट हैं पहले तो हमें फूरियर एक्सपेंशन करना है फिर हमें ग्राफ करना है फंक्शन को और फिर हमें डिडक्शन करना है तो चलिए शुरू करते हैं फाइन द फूरियर एक्सपेंशन तो यहाँ पर ज़ीरो टू टू एल के फॉर्मेट में है यहाँ पर टू एल की जो वैल्यू है वो टू है और इसकी वजह से एल वन हो गया तो so, यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट ये जो एफ एक्स है एफ़ एक्स इज विच इज़ फोर माइनस एक्स स्क्वायर सो ये है ए जीरो प्लस समीशन ऑफ ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस ऑफ बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ठीक है एफ एक्स इज फोर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए जीरो प्लस समीशन ऑफ ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस समीशन ऑफ बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल जहाँ पर ए जीरो ए एन और बी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो वेर ए जीरो इज इक्व टू वन डिवाइड बाई टू एल जीरो टू टू एल एन टू एफ एक्स इन टू डी एक्स ओके तो टू एल टू एल की वैल्यू टू है सो दिस इज इक्व टू वन डिवाइड बाई टू जीरो टू टूल्व मतलब टू एफ एक्स एफ एक्स यहां पर क्या है फोर माइनस एक्स स्क्स माइनस एक्स एन टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दिस इज इक्व टू वन डिवाइड बाई टू फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री और लिमिट जीरो टू टू तो so, ये हो गया वन डिवाइड बाई टू यहाँ पर टू पुट करेंगे तो फोर टू 8, माइनस टू पुट करेंगे तो ये एट डिवाइड बाई थ्री लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाता है तो वन डिवाइड बाई टू एट थ्री द ट्वेंटी फोर माइनस एट होल डिवाइड बाई थ्री सो देर फोर ए ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे ए ज़ीरो एक्स टू वन डिवाइड बाई टू ट्वेंटी फोर माइनस एट सिक्सटीन डिवाइड बाई थ्री सो इंटू सिक्सटीन डिवाइड बाई थ्री Two, ये हो गया एट डिवाइड बाई थ्री तो ये ए जीरो की वैल्यू हो गई अब आपको ए जीरो वैल्यू मिल गई फिर ए एन की बारी आती है तो ए एन ए एन के लिए फॉर्मूला है ए एन एल जीरो टू टू एल मतलब जीरो टू टू एफ एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल एल इज वन सो ये कॉस एन पाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्स टू यू इंटू वी मेथड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये फोर माइनस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एन पाई माइनस यहाँ पर फोर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाय यहाँ पर ये होल डिवाइड बाय रहेगा तो डिवाइड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और फिर प्लस माइनस टू एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस टू और माइनस कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एन क्यूब एन टू पाई क्यूब लिमिट ज़ीरो टू टू सो यहाँ पर दिस इज इक्व टू पहले हम टू पुट करेंगे तो टू टू द फोर ये पहला टर्म वैसे भी साइन है साइन टर्म वैसे भी अपर लिमिट पुट करने के बाद ज़ीरो होने वाला है तो साइन को भूल जाते हैं कॉस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं यहाँ पर टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सारी वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी सो so, ये आपका ए एन का वैल्यू हो गया माइनस फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और बी एन की बात करें तो बी एन इज इक्ल्स टू वन अपॉन एल तो ये वन ज़ीरो टू टू एल तो ज़ीरो टू टू एफ एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर एन टू यहाँ पर ये होगा साइन एन पाई एक्स अपॉन यहाँ पर एल वन है एन टू डी एक्स सो दिस इज इक्व टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एन पाई माइनस यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टू एक्स माइनस कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर फिर प्लस माइनस टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टू और माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस एंड पाई एक्स अपॉन एंड क्यूब पाई क्यूब लिमिट जीरो टू टू ओके सो दिस इज इक्व टू तो यहाँ पर साइन के टर्म तो जीरो हो गए कॉस के टर्म की अगर हम बात करें तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा तो पहला टर्म गया सेकेंड टर्म साइन है जीरो वो भी गया और यहाँ पर अगर हम x की जगह टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू डिवाइड बाई एन क्यूब पाई क्यूब फिर लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस फोर टाइम्स फोर फोर अपॉन एन पाई और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये प्लस टू डिवाइड बाई एन क्यूब पाई क्यूब सो दिस इज इक्वल टू ये टर्म ये टर्म कैंसिल 4 डिवाइड बाय एन पाई सो देर फोर यहाँ पर जो एफ एक्स है एफ एक्स इज इक्व टू ए ज़ीरो तो ए ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर है एट डिवाइड बाय थ्री तो ए ज़ीरो इज एट डिवाइड बाय थ्री प्लस ए एन ए एन की वैल्यू माइनस फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सो माइनस फोर अपॉन पाई स्क्वायर तो so, ये प्लस का हो जाएगा माइनस फोर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर एंटू वन अपॉन वन स्क्वास एक्स प्लस अपॉन टू कॉस टू एक्स प्लस ये इस तरह से सारे एन के टर्म प्लस बी एन बी एन में आएगा फोर डिवाइड बाई पाई यहाँ पर वन डिवाइड बाई वन एंटू साइन एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू साइन टू एक्स प्लस फोर माइनस एक्स एक्स लिखने की जगह हम लिख देते हैं फोर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो गया आपका फोर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ओके okay. ये वैल्यू आ गई तो ये पहला काम हो गया हमारा दूसरा काम है कि हमें ग्राफ द फंक्शन बोला है जीरो टू टू पाई में तो ग्राफ द फंक्शन सो जीरो टू टू पाई के लिए यहाँ पर हमने एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लिया ये वाई एक्सेस ड्रा कर लिया जीरो और यहाँ पर टू फिर यहाँ पर फोर सिक्स इसी तरह से पीछे आएंगे तो माइनस टू इस तरह से ठीक है अब फोर माइनस एक्स स्क्वायर है जो हमारा फंक्शन है फंक्शन क्या है फंक्शन है फोर माइनस एक्स स्क्वायर तो अगर की वैल्यू जीरो रखते हैं तो यहाँ पर की वैल्यू हमें मिलती है फोर फिर हम अगर टू पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है ज़ीरो और बीच में अगर वन पुट करते हैं तो वैल्यू मिलती है थ्री तो ये जो फंक्शन होगा इसे आप ग्राफ करेंगे ना तो ये इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा ठीक है तो ये क्योंकि पीरियडिक है यही सेम चीज़ रिपीट होगी यहाँ पर भी तो यहाँ पर ये आपका ये इस तरह से ग्राफ बनेगा आगे जाएंगे आगे ये इस तरह से ग्राफ अगर हम पीछे जाएं तो पीछे भी ग्राफ इस तरह से ही बनेगा ओके तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन है फंक्शन डिस्कंटिन्यूस है एट एक्स इजिक्वल्स टू ज़ीरो या फिर टू या फिर फोर डिसकंटिन्यूस है तो पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लिमिट का यूज़ करेंगे यहाँ पर जो फंक्शन है एफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूस डक्यूअस एट एक्स इजिकल्स टू जीरो सो देर फॉर एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा हाफ ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स सो दिस इज इक्वस टू वन डिवाइड बाई टू यहाँ पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट अगर हम पुट करें तो यहाँ पर फोर माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट लिमिट पुट करने पर वैल्यू हमें मिलेगी ज़ीरो से लेस में वैल्यू हमें मिलती है ज़ीरो तो ये ज़ीरो और अपर लिमिट पे ये वैल्यू मिलती है फोर मीन्स जीरो प्लस दैट मीन्स जीरो पे ही हैं हम लेकिन थोड़ा राइट right में हम देख रहे हैं तो राइट right में हम देख रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है फोर मिल रही है तो जीरो प्लस फोर 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 डिवाइड बाई टू इज़ टू तो ये एफ ऑफ जीरो हो गया अब ये एफ ऑफ जीरो ये हमने फाइंड आउट कर लिया अच्छा चलिए प्रॉब्लम पे फिर जाते हैं यहाँ पर है कि ग्राफ द फंक्शन एंड ऑल्सो स्टेट द वैल्यूज ऑफ द सीरीज फॉर एक्स इजल्स टू जीरो वन टू टेन एंड इलेवन ओके तो क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन है सो so यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो नौ ये जो है एफ ऑफ ज़ीरो इट इज गोइंग टू बी एफ ऑफ टू इज़ गोइंग टू बी एफ ऑफ टेन तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो पे टू पे टेन पे यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है इवन वैल्यूज़ पे, सो so, ये तीनों जगह पर हमें आंसर क्या मिलेगा टू मिलेगा एंड इसी तरह से एफ ऑफ वन जो होगा इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ थ्री नहीं फाइंड आउट करना है एफ ऑफ वन फाइंड आउट करना है और एफ ऑफ इलेवन फाइंड आउट करना है सो टेन टेन के बाद इलेवन मतलब पीरियड टू का है तो आप देखेंगे एफ ऑफ वन और एफ ऑफ इलेवन सेम है तो एफ ऑफ इलेवन सेम है और यहाँ पर वन रिप्लेस करेंगे अगर हम फंक्शन में सो फोर माइनस वन स्क्वायर फोर माइनस वन स्क्वायर मतलब फोर माइनस वन फोर माइनस वन थ्री सो ये जो एफ ऑफ वन है ये हो गया थ्री ग्राफ कर लिया हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली अब हम डिडक्शन पे आते हैं तो हमें डिड्यूस करना था पाई स्क्वायर अपॉन सिक्स इज वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम एक्स की वैल्यू ज़ीरो से पहले रिप्लेस करते हैं सो so फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारा जो फोर माइनस एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा फोर एंड दिस इज इक्वल टू ए ज़ीरो तो ए ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे एट डिवाइड बाई थ्री सो दिस इज इक्वल टू एट डिवाइड बाई थ्री माइनस फोर डिवाइड बाई क्या है फोर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर फोर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर यहाँ पर ब्रैकेट में वन डिवाइड बाई वन स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टू स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई थ्री स्क्वायर प्लस ये इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज ओके सो देर फोर यहाँ पर फोर माइनस एट डिवाइड बाई थ्री ये दिक इंटू वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस डेट डेट तो यहाँ पर फोर माइनस एट डिवाइड बाई थ्री अगर हम करें सो फोर माइनस एट डिवाइड बाई थ्री ये हमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो hmm. so, यहाँ पर ये हमें वैल्यू मिल गई फोर थ्री ज ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस एट फोर डिवाइड बाई थ्री सो देर फोर ये हमें मिल गई फोर डिवाइड बाई थ्री इंटू यहाँ पर हम करेंगे पाई स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस फोर एज टू वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ओके सो देर फॉर एक इक्वेशन हो गया हमारा माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री इज इक्व टू वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अब यहाँ पर ये एक वैल्यू तो हमें मिल गई अब दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे मतलब ये तो हमें रिड्यूस करना नहीं था तो so, हम वापस से पुट करते हैं एक्स एजिकल टू तो टू पुट कर देते हैं तो देर लेफ्ट साइड हो जाएगा जीरो इजिकल्स टू यहाँ पर राइट साइड एट डिवाइड बाई थ्री माइनस फोर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर और ब्रैकेट में साइन का टर्म तो देखिए जीरो ही होने वाला है जब आप जीरो पुट करेंगे तो भी और टू पुट करेंगे तो भी सो वन अपॉइंट वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉइन थ्री स्क्वायर प्लस ये इस तरह से वैल्यूज आ गई सो देर फोर यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस एट डिवाइड बाई थ्री इजिक्वस टू माइनस फोर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर एन टू वन अपॉइंट वन स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट टू स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ये माइनस माइनस कैंसिल ये फोर टू सा सो देर फोर यहाँ पर ये हो गया टू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री वन 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 अपॉन 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 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस टू थ्री स्क्वायर प्लस डोटा डोटा अब ये इक्वेशन टू ले लेते हैं और यहाँ पर ये इक्वेशन वन अब वन और टू को ऐड कर देते हैं तो एडिंग वन एंड टू एडिंग वन एंड टू सो वन है माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री और टू है टू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री यदि कस्टूक यहाँ पर ऐड करेंगे तो सारी चीजें सेम है तो ये टू टाइम हो जाएगा वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो देरफोर ये हो गया पाई स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री और यहाँ पर ये यह टू है ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन सिक्स विल बी इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टू स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो पाई स्क्वायर अपॉइन्ट सिक्स इज वन अपॉइंट वन स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इस तरह से ये सिक्वेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं ओके okay, प्रॉब्लम है तो सेकंड क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज पाई एक्स वेयर एक्स इज बिटवीन जीरो एंड वन एंड पाई टाइम्स टू माइनस सिक्स वेन इट इज बिटवीन वन एंड टू विद पीरियड टू सो so, शो करना है कि एफ एक्स विल बी पाई बाई टू माइनस फोर बाई थ्री समीशन ऑफ वन डिवाइड बाई टू एन प्लस वन होल स्क्वायर कॉस टू एन प्लस वन पाई एक्स ओके ये शो करना है ठीक है तो यहाँ पर रेंज जो है वो जीरो टू टू है सो देर फोर लेट हम कंसिडर करते हैं लेट जो एफ एक्स है इट इज इक्व टू ए ज़ीरो प्लस समीशन ऑफ ए एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल ओके जहां पर एल जो है वेर एल इज टू वन सो वेर एल इज वन तो यहाँ पर प्लस समीशन ऑफ बी एन भी होगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल सो देर फोर ये जो एफ एक्स है एफ एक्स तो एल इज टू वन क्यों लिखा क्योंकि टू एल इज टू है एफ एक्स इज टू ये हो जाएगा ए जीरो प्लस समीशन टू फॉर्मूला है वन डिवाइड बाई टू एल्सो वन डिवाइड बाई टू जीरो टू टू एफ एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स लेकिन इसे मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि ज़ीरो टू वन मेरा जो फंक्शन है ज़ीरो टू वन वो फंक्शन है पाई एक्स और जो वन टू टू हमारा वैल्यू है वो है पाई इंटू टू माइनस एक्स डी एक्स अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया हमने पाई एक्स का इंटीग्रेशन पाई एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट अप्लाई कर ली जीरो टू वन यहाँ पर इसे इंटीग्रेट कर दिया पाई टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हम टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन माइनस टू ऐसा भी कर सकते हैं एक्स को एक्स प्लस बी ट्रीट करके या फिर टू का टू एक्स लिख देंगे और एक्स का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू लिख देंगे ऐसे भी कर सकते हैं तो ये हमने इसे इंटीग्रेट किया लिमिट अप्लाई की अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है पाई डिवाइड बाई टू सो so, ये हमारी वैल्यू हो गई ए ज़ीरो की फिर आते हैं ए एन पर एन इसी तरह से ए एन के लिए भी फॉर्मूला वन अपन एल जीरो टू टू एल एफ एक्स इंटू कॉस एन बाई एक्स डी एक्स तो यहाँ पर भी जीरो टू टू को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा जीरो टू वन और वन टू टू में यहाँ पर स्प्लिट किया हमने और फिर यू इंटू वी मेथड अप्लाई करेंगे इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट करके जब हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि साइन में वैल्यू पुट करने से जीरो ही होने वाला है सिर्फ कॉस में वैल्यू पुट करनी है सो so, कॉस में वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर ए एन की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है टू अपॉन एन स्क्वायर पाई एन ब्रैकेट माइनस वन एस टू एन माइनस वन ओके अगर हम यहाँ पर एन um, की वैल्यू इवन पुट करें तो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा सो फॉर ऑल एन इज इवन ए एन की वैल्यू ज़ीरो और फॉर एन इजिकल्स टू ऑट ये हमें मिलेगा माइनस फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई चलिए बी एन फाइन आउट करते हैं तो बी एन फाइन आउट करने के लिए सेम फॉमुला खाली कॉस एन पाई एक्स रिप्लेस हो जाएगा साइन एन एन पाई एक्स से हम इसे भी इंटीग्रेट करेंगे यू वी मेथड अप्लाई करेंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आफ्टर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग हमें बी की वैल्यू क्या मिल रही है जीरो मिल रही है तो अब हम एफ एक्स एजुकेस्ट हो यहाँ पर ए ज़ीरो प्लस समीशन ऑफ ए एन कॉस एन पाई एक्स ये वैल्यू पुट करते हैं तो समीशन मीन्स एडिशन तो यहाँ पर माइनस फोर पाई कॉमन ले लिया बाकी ब्रैकेट में वन अपॉन वन स्क्वायर कॉस पाई एक्स प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर कॉस थ्री पाई एक्स प्लस ये इस तरह से हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल गई अब यहाँ पर आ, ठीक है डिडक्शन पार्ट तो है नहीं हमारा ये स्टेप नहीं आएगा अब इसे ही हम सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे जब भी ऑड टर्म आते हैं तो ऑड टर्म को हम क्या टू एन प्लस वन से रिप्लेस कर सकते हैं तो यहाँ पर इसको हम एक जनरल टर्म से रिप्लेस कर लेंगे इसे हम कहेंगे कि ये है पाई डिवाइड बाई टू माइनस फोर डिवाइड बाई पाई एन टू यहाँ पर ये यह है समीशन ऑफ वन डिवाइड बाई टू एन प्लस वन या टू एन माइनस वन तो प्रूफ में क्या है या फिर हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है अकॉर्डिंगली हम जाएंगे तो so, टू एन प्लस वन स्क्वायर ओके तो यहाँ पर एन की वैल्यू वन पुट की तो थ्री हो जाता है सो so, यहाँ पर जो समीशन है ये क्या होगा ये एक्सपांड होगा सो hmm. so, यहाँ पर प्रॉब्लम में हमने एक छोटी सी गलती की है कि ये जो हमें प्रूफ करना है ये यहाँ पर एन इजिक्वल्स टू ज़ीरो से इन्फिनिटी है ओके तो ये देखिए ये जब हमें फ़ाइनल रिजल्ट मिल गया तो यहाँ पर ये हम बोलेंगे वन अपॉन टू एन प्लस वाई एन टू कॉस ऑफ टू एन प्लस वन पाई एक्स और जहाँ पर समीशन में ये वैल्यू होगी जीरो टू इन्फिनिटी जब आप जीरो डालेंगे तो क्या होगा ये वन हो जाएगा वन पॉइंट वन कॉस यहाँ पर टू एन प्लस वन है एकस, so, पाई एक्स सो कॉस पाई एक्स जब हम यहाँ पर वैल्यू वन लेंगे तो टू प्लस वन थ्री यहाँ पर ये यह थ्री हो गया टू लेंगे तो फाइव यहाँ पर फाइव हो गया तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा एफ एक्स हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई टू माइनस फोर डिवाइड बाई पाई समीशन ऑफ तो वन अपॉन टू एन प्लस वन कॉस टू एन प्लस वन पाई एक्स ओके डन सो so, ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम था ओके सो ये दो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए ऐसे ही और भी प्रॉब्लम्स हैं जो आप ट्राई करें ठीक है फिर आपसे फिर मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब हमारा इंटरवल होगा माइनस एल से प्लस एल